दोस्तों 60 और 70 के दशक का एक ऐसा दौर रहा है जिसमें एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां हमें देखने को मिली, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस अभिनेत्री की जिन्हें आप इंद्राणी मुखर्जी के नाम से जानते हैं। जी हां, आपकी फेवरेट इंद्राणी मुखर्जी, जिन्हें प्यार से आप बॉलीवुड क्वीन भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं आज आपकी ये बॉलीवुड क्वीन के बारे में कि किन हाल में हैं ये और कैसे अपने बुढ़ापे के दिन गुजार रही हैं। मुखर्जी का जन्म संयुक्त प्रांत के प्रयागराज में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर जितेंद्र मुखर्जी मेडिसिन के एक डॉक्टर थे जो इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते थे। उनकी मां कामिनी देवी मुखर्जी एक समर्पित गृहिणी थी। इंद्राणी 7 बच्चों में से एक थी। उनकी 4 बहनें और 2 भाई थे। इंद्राणी संपूर्ण पारंपरिक वातावरण में पली बड़ी। उसने बाकी सब चीजों के ऊपर अपने परिवार को प्राथमिकता दी और एक अच्छी और सफल पत्नी और माँ होने पर उन्हें बहुत गर्व है। उन्होंने पंजाबी खत्री कृष्णलाल खन्ना से शादी की और 1992 में मुंबई के बाहर नासिक चली गई। दंपति के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। वे सभी अच्छी तरह से शिक्षित हैं और जीवन में अच्छी तरह से स्थापित हैं। इंद्राणी के बेटों का नाम अनिरुद्ध खन्ना और दीपांकर खन्ना है। वे नासिक में ही रहते हैं। वे दोनों शादीशुदा हैं और इंद्राणी की बहुएं अंजू खन्ना और निकिता खन्ना हैं। इंद्राणी की बड़ी बेटी दीपांजलि छापवाले की शादी मूल रूप से मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले राहुल छापवाले से हुई है। वो लंदन में रहते हैं और 2 बच्चों के माता पिता हैं। एक बेटा विक्रमादित्य छापवाले और एक बेटी अवंतिका। इंद्राणी की छोटी बेटी मोइना बनर्जी की शादी उनकी ही जाति और समाज के पृष्ठभूमि के बंगाली ब्राह्मण सज्जन राहुल बनर्जी से हुई है। वे बेंगलोर में रहते हैं और 2 बच्चों के माता पिता हैं। एक बेटे का नाम रणवीर बनर्जी और एक बेटी का नाम निवेदिता बनर्जी है। इंद्राणी मुखर्जी हिंदी सिनेमा में 60 और 70 के दशक में नजर आई। उन्होंने फिल्म में यादगार प्रदर्शन किया जिसमें शामिल है परवरिश, आखिरी खत, देश प्रदेश, धर्मवीर। उन्होंने अपराध सहित मराठी फिल्मों में भी काम किया है। आखिरी खत में उनकी भूमिका राजेश खन्ना के साथ में नजर आई थी। आज भी लोग उन्हें प्यार से याद करते हैं। इंद्राणी ने साल 1959 के दौरान एक सौंदर्य प्रतियोगिता में सफलता का स्वाद चखा था। तब ये उसकी माँ थी जिसने उन्हें अभिनेत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इंद्राणी को एक स्क्रीन टेस्ट दिया गया था और इंद्राणी जैसा कि वो दृढ़ थी, एक दृश्य में स्वाभाविक रूप में रोई थी जो उससे पूछा गया था। परिणाम उत्साहजनक था, उसने परीक्षा पास कर ली। इस तरह उन्हें कहा था में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इसी फिल्म में सुनील दत्त और नंदा मुख्य भूमिकाएं निभा रहे थे। बाद में उन्होंने धर्मपुत्र और हकीकत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। हकीकत के निर्देशक चेतन आनंद उन्हें अपनी फिल्म आखिरी खत की मुख्य अभिनेत्री बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाया भी। राजेश खन्ना ने फिल्म में पुरुष प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म को समीक्षकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया और अकादमी पुरस्कारों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगले 10 वर्षों में इंद्राणी मुखर्जी को एक चरित्र कलाकार के रूप में देखा गया और उस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। अहमदाबाद की रहने वाली मुखर्जी ने ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी में रेडियो नाटकों में काम किया। इंद्राणी ने एक बार कहा था कि ये अनुभव फिल्मों में उनके लिए फायदेमंद होगा। मेरे लाल फिल्मों में इंद्राणी का काम हीर रांझा, धर्मवीर, परवरिश विख्यात थे। मराठी और भोजपुरी फिल्मों के साथ उनके कार्यकाल में लागी नहीं छूटे, राम और अपराध शामिल है। मुखर्जी ने साल 1980 के दशक के दौरान हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया। उनका विवाह श्री कृष्णलाल खन्ना से हुआ और साल 1992 के दौरान नासिक में इनकी शादी हुई थी। ऐसी अद्भुत अभिनेत्री को खोना वास्तव में हिंदी सिनेमा के लिए एक क्षति है, वो भी उनके करियर के चरम पर। हालांकि अगर बात की जाए उनके आज के बारे में तो आज वो 81 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक काफी बदली हुई नजर आती हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचान पाना मुश्किल है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।